वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ स्टफ्ड लाल मिर्च का अचार, जो कि हर किसी के घर पे इस अचार को बनाया जाता है, हर किसी का ये फेवरेट होता है। तो देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले आप एक पैन रख दें, उसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, 1 टेबलस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून सौफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, मैंने शाह ज़ीरा यूज़ किया है, 1 टेबलस्पून आमचूर का पाउडर मीन्स ड्राई मैंगो पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून मेथी सीड्स, 1 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स, 1 टेबलस्पून राई आप ज़्यादा डालें क्योंकि खट्टापन पैदा करेगी अचार में, 1 टीस्पून रेड चिली का पाउडर एंड 1.5 टीस्पून हींग हम ऐड करेंगे इसमें। फ्लेम को करेंगे ऑन और लो मीडियम फ्लेम पे हम इन मसालास को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। याद रखें हाई फ्लेम पे नहीं, हाई फ्लेम पे आप करोगे तो सारे मसालास जल जाएंगे। मसाले अच्छे से देखे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं इस पॉइंट पे। अब आप एक मिक्सी में इसका पाउडर बना लें। तो देखें अच्छे से मैंने इसको पीस लिया है इन सारे मसालों को। देखें ज़्यादा फाइन पाउडर हमें नहीं बनाना, हल्का सा आपको अचार का मसाला दर दरा रखना है। देखें आपको सौफ और धनिए के दिख रहे हैं सीड्स, बस इसी तरीके से हमें बनाकर रेडी करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून काला नमक मीन्स ब्लैक सॉल्ट डालिए। काला नमक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है इस अचार के मसाले में। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल और अच्छे तरीके से आप इन मसाला उसको मिक्स कर लें। बहुत ही ज़्यादा अच्छा और फ्लेवरफुल मसाला इसका रेडी होगा अचार का। तो जो जो चीज़ें मैंने ली हैं अगर आप उसी चीज़ों से लेकर अचार का मसाला बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा। और जितना बाकी का था ऑयल हम वो भी इसमें डाल देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद 1.5 टीस्पून मैंने इस पॉइंट पे कलौंजी ऐड करी। तो देखिए मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, मैंने एक यहाँ पे लेमन लिया है, अच्छे से उसे स्क्वीज़ करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। देखिए मैं विनेगर का इस पॉइंट पे मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लेमन का यूज़ कर रही हूँ जिससे अच्छे से हमारा जो अचार का मसाला है वो जल्दी ख़राब ना हो और एक प्रिजर्वेटिव का काम करेगा यहाँ पे लेमन और एक खट्टापन भी इसमें आएगा आपके अचार में के मसाले में। सो अच्छे से देखिए मसाले इस पॉइंट में मिक्स हो चुके हैं, अचार का मसाला हमारा बनके रेडी है। आगे देखते हैं, ये देखिए मैंने इस तरीके की यहाँ पे बड़ी बड़ी रेड चिलीज़ ले लिए हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है ज़्यादा बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम साइज़ की आप ले लें। और अच्छे से मैंने इन मिर्चों को धो लिया है और एक कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है, व्हिप कर लिया है। उसके बाद देखिए ये ऊपर के डंठल जो होते हैं मिर्च के, ये आप हटा दें इस तरीके से। और कुछ लोग यहाँ से कट भी कर देते हैं फिर मसाला भरते हैं, तो अगर आप ऐसा करना चाहें तो आप कर लें, लेकिन उससे ये होता है जो मसाला होता है वो अंदर मिर्च के अंदर नहीं आ पाता है, सारा वो ऑयल तेल के अंदर चला जाता है मसाला। तो मिर्च जो होती है वो खाली खाली रहती है और ऑयल के अंदर सारा मसाला होता है। तो जैसा आपको हो आप वैसा कर लें, लेकिन मैं इसका ऊपर का हिस्सा नहीं कट कर रही हूँ। उसके बाद सारी मिर्चें रेडी हैं। उसके बाद देखिए मैं बीच में से इस तरीके से यहाँ पे एक कट लगाऊंगी, स्लिट करूंगी बीच में से, और ये देखिए इस तरीके से एक टाइप से आप चीरा इसमें लगा दें मिर्च में। और अगर आप इसमें इसके अंदर के बीज हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, या वरना आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। और बाकी की सारी रेड चिलीज़ को हम ऐसे ही कर लेंगे स्लिट बीच में से। ये देखिए सारी जो रेड चिलीज़ हैं वो इस पॉइंट पे अच्छे से स्लिट हो चुकी हैं और सारे अच्छे से रेडी हैं। उसके बाद जो हमने मसाला बना के रखा था अचार का मसाला वो हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से आप ऐड करें और अच्छे से ज़्यादा आप इसमें मसाला भरें जिससे जब आप इसे ईट करो तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल लगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें फिल कर दिया है मसाला और बाकी की रेड चिलीज़ को भी हम इसी तरीके से फिलअप कर लेंगे।
और ये मिर्च का अचार हर किसी चीज़ के साथ अच्छा लगता है। आप इसे पराठे के साथ खाओ, आप इसे खिचड़ी के साथ खाओ, या आप इसे आलू के पराठे के साथ खाओ, हर किसी के साथ ही मिर्च का अचार अपने आप में एक अलग ही फ्लेवर देता है। बस आपको कुछ ट्रिक्स याद रखनी है इसको बनाते वक्त। और सबसे मेन चीज़ ये है, जब आप अचार को रखो तो डायरेक्ट सनलाइट में रखो, जैसे डायरेक्ट सनलाइट जो है वो आपके अचार पे पड़े और अचार अच्छे से और जल्दी गले। तो देखिए सारी रेड चिलीज़ अच्छे तरीके से हमने फिल कर ली हैं, और देखिए ये दो बची हैं लास्ट की, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और देखिए अभी कितनी ऊपर तक है ये मिर्चें, जब ये पक जाएंगी अच्छे से, गल जाएंगी तो अपने आप ही नीचे बैठ जाएंगी। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सरसों का तेल मींस मस्टर्ड ऑयल, जो कि कच्चा ऑयल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आप पका के डालना चाहो तो आप पका के भी इस पॉइंट पर ऑयल ऐड कर सकते हैं। और इसको हम कवर करके रख देंगे एक हफ्ते के लिए, जिससे अचार अच्छे तरीके से पके। सो एज यू कैन सी एक हफ्ता हो चुका है, अचार अच्छे तरीके से गल चुका है, परफेक्ट टेक्सचर आया है इसका। देख रहे हैं आप कितने ऊपर था अचार और कितना नीचे आ गया है, बैठ गया है, तो इसका मतलब ये है कि अच्छे से गल चुका है। तो हम आपको निकाल के दिखाते हैं कि ये बना कैसे है। एक मैं मिर्च आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये अचार पका है, ये देखें कितने अच्छे से मिर्च पूरी तरीके से परफेक्टली गल गई है। सो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को अपने घर पे, और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइए आपके घर पे ये लाल मिर्च का अचार कैसा बना।